तो दोस्तों अब हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जैसे मुझे बताया गया कि एक झील भी है, तो काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों। और आप लोग जब भी आएँ समय निकाल के आएँ, क्योंकि आपको काफ़ी जगह यहाँ पर स्पॉट मिलेंगे जहाँ पर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। अभी मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ तो आप पीछे भी देख सकते हैं कि पहाड़ों का नज़ारा बढ़िया शानदार आपको दिखेगा। धीरे चलना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा। और आप हमारा, फिर से मैं बताऊँ, आप हमारा चैनल देख रहे हैं #gypsymusafir113 इन एसोसिएशन विथ माई एजुकेशनल चैनल #rao7113। और मैं हूँ आपका दोस्त सुशील। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी आपको मज़ा आ रहा होगा। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ, यहाँ पर क्या है मालूम है आपको? इधर कौन? अच्छा, आप भी घूमने आए हो? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर क्या है मालूम है क्या? यहाँ कुछ नहीं। वो यहाँ पर कोई झील है बोल रहे हैं। झील? क्या झील? लेक, लेक, लेक फोर्थ गेट। कहाँ से जाना है रास्ता? ये वो जो ग्लास हाउस है ना? हाँ, वो ग्लास हाउस में ऐसे रोड जाएगा। अच्छा, वो रोड से मतलब अभी वापस ग्लास हाउस तक जाना पड़ेगा अभी? हाँ, वापस। अच्छा अच्छा, वहाँ से फिर आगे फिर वो है। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर ग्लास हाउस के पास में एक झील है, तो यही रास्ता है। तो आइए हम लोग फिर से चलते हैं। पहाड़ तो हमने देख लिया और पीछे आप देखते चले, ये साइड से आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पेड़ों को कटिंग वगैरह करके बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर आपके लिए व्यू लेता हूँ, बहुत बढ़िया है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि जी लेक कहाँ से है। तो दोस्तों समय कम और काफ़ी कुछ हमको कवर करना है। दोस्तों यहाँ पर पेड़ों के पास खड़ा हूँ, यहाँ बता रहे हैं कि 200 सालों से पुराने सब पेड़ खड़े हैं, टीपू सुल्तान के ज़माने से, आप देख सकते हैं। लेक कहाँ पर है मालूम है? लेक, हाँ, लेफ्ट, फुल स्ट्रेट, फुल स्ट्रेट। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर एक लेक है।
यहीं पर तो लेक रास्ता इन्होंने बताया था। ये देखिए दोस्तों पीछे कितने शानदार पेड़ों का नज़ारा है, बढ़िया खुशबू आ रही है यहाँ पर। ये कहीं पर झील भी है ऐसे बता रहे हैं, तो वो भी हम लोग कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी आपको आनंद आया होगा और आ रहा होगा। और यहाँ पर एक झील लेक के बारे में भी जिक्र है, तो वो भी हम जाकर कवर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये देखने के बाद तो मैं ऐसा अनुभव कर पा रहा हूँ कि अगर हम लोग जितने भी कॉलोनी में रहते हैं शहरों में, जहाँ पर जो बगीचों के लिए जो जगह दी गई है, अगर वहाँ से सारे भवनों को अगर की जगह अगर बगीचे बनाएं, तो क्या होगा, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में भी हम लोग काफ़ी समस्या को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, और उसे कंट्रोल करना ही होगा हमें। तो हमें ज़्यादा भवनों की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है पेड़ों की, पौधों की, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक झरना भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारा। आइए इसको आप, और पेड़ पौधे तो है ही, तो आइए आप भी साक्षी बने। और देखें तो दोस्तों यहाँ ये पेड़ पौधों देखने के बाद तो बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो दोस्तों जब भी बेंगलोर आए तो एक बार ज़रूर आएँ। ये है लाल बाग, जो टीपू सुल्तान के ज़माने से उस समय बनवाया गया था। बाकी स्टडी डिटेल आप करें मैं चाहता हूँ। और तो दोस्तों मैं कह रहा था बाकी स्टडी आप करें और मुझे भी डिटेल दें, ताकि हम लोग कम्युनिकेट भी कर पाएँ और मुझे भी पता चले कि आपने हमारा वीडियो देखा है ध्यान से। बहुत बढ़िया नज़ारा देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ देखिए आप चाइना पाम का जो पेड़ है, कितने बड़े बड़े साइज में है आप देख सकते हैं। हेलो, आप देख सकते हैं दोस्तों हर उम्र के लोग आए हुए हैं यहाँ पर।
और एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आप मैं दिखाना चाहता हूँ कि चाइना पाम जो है कितने बड़े साइज़ के हैं। अगर आप इसको ज़मीन में लगाएं तो काफ़ी बड़ा साइज़ आप देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। काफ़ी दोस्तों इतने बड़े पेड़ चाइना पाम के तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। और पीछे देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया नज़ारा, झील है यहाँ पर, बहुत शानदार, वाह। बहुत बढ़िया झील और झरना। तो आइए दोस्तों, करीब से एक बार जितना भी हो पाए कोशिश करते हैं। और पीछे भी आप देखते चले हैं, बहुत बढ़िया पेड़। तो दोस्तों मैं फिर बताऊं, हम लोग हैं यहाँ लाल बाग बोटेनिकल गार्डन में, जो कि बेंगलोर गार्डन सिटी में है। और भी शानदार नज़ारा है यहाँ। और शर्त लगा के कह सकता हूँ, आप यहाँ आएंगे तो आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। बेहतरीन ये नज़ारा है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं दोस्तों, सैकड़ों साल पुराने। यहाँ देखिए पीछे, डांस पार्टी लगा। तो दोस्तों यहाँ झील भी देख सकते हैं, बिल्कुल आपको काफ़ी शांति का अनुभव होगा। हम लोग भी यहाँ से 5 मिनट यहाँ कोशिश करते हैं रुकने का और प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आपके लिए रियर व्यू कैमरा मैं शुरू किया हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ एक बार उससे भी आप एक बार कवर करें।
और देखने की कोशिश करते हैं कितना हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एक झील हमने देखा और ये बहुत शानदार बड़े बड़े चाइना पाम देख सकते हैं। मेरे घर में भी एक है लेकिन गमले में, और इतने बड़े पत्ते तो मैंने कभी देखे नहीं है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि